क्या कोई 10,000 रुपए लेकर चुनाव लड़ सकता है और लड़ भी ले तो क्या वो जीत भी सकता है? और बात पार्षदी के चुनाव की नहीं, विधानसभा चुनाव यानी कि विधायकी की हो रही है। आपको लगता होगा ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसे संभव करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी ने ये सच करके दिखाया है। कौन है वो प्रत्याशी, किस विधानसभा से, किस पार्टी से विधायक बना है, आइए आपको देते हैं पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े किले ढह गए, लेकिन ऐसे में भी एक प्रत्याशी ऐसा था जिसका जीवन का पहला चुनाव था और फिर भी उसने एक ऐसा सपना पूरा करके दिखाया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बता दें ये चुनाव जो जीता है ये भारतीय जनता पार्टी की आंधी से नहीं जीता, क्योंकि वो प्रत्याशी बीजेपी का नहीं था। सबसे पहले जान लेते हैं वो सीट कौन सी है। वो सीट है सैलाना, रतलाम की सैलाना सीट। यहाँ ना तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकी, ना ही कांग्रेस। इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा विधायक है जिसकी माँ मजदूरी करती है, जिसने चुनाव लड़ने के लिए लाखों नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 रुपए उधार लिए और उसी 10,000 से चुनाव जीतकर विधायक बना है, कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर डोडियार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को मात दी है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश डोडियार की चर्चा कर रहा है। कमलेश्वर की यह जीत दावों या झूठे वादों पर नहीं मिली बल्कि उसके संघर्ष पर मिली है। कई सालों से आदिवासी के मुद्दे पर संघर्ष कर डोडियार को जनता ने अपना समर्थन दिया है। उसने जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है। एक मजदूर परिवार का बेटा रतलाम की सैलाना सीट से अब विधायक है। जब नतीजे आ रहे थे तब भी कमलेश्वर की माँ मजदूरी कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि रात होते होते वो एक विधायक की माँ बन जाएगी। कमलेश्वर का कोई पक्का घर नहीं है। 33 साल की कमलेश्वर डोडियार ने भारत आदिवासी पार्टी के टिकट से सैलाना सीट पर अपनी जीत दर्ज करा दी। कमलेश्वर डोडियार ने सैलाना निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को 4,618 मतों से मात दी, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी तेज चल रही थी। ये किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगता। कमलेश्वर डोडियार का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ। वो अपने 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। पढ़ाई में रुचि होने के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर कोटा चले गए जहां उन्होंने मजदूरी भी की। सैलाना लौटने पर कमलेश्वर लगातार आदिवासियों के मुद्दों को उठाते रहे और इसी के चलते क्षेत्र में चर्चित चेहरा बन गए। अब भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी आखिरकार कमलेश्वर ने अपनी मेहनत से जीत दर्ज की है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। We'll be right back.